हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? फाइन? ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज जो हम सम करने वाले GTU में 3 मार्क्स में कंपलसरी एक सम होगा, कंपलसरी. ठीक है, कोई भी आप GTU के पेपर उठा के देख लो, एक सम होगा, होगा और होगा. तो देखते फटाफट कौन सा सम है, राइट? सम करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर आप सम कर रहे हो, मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो मैथ्स हो, 50% सम आपका कब खत्म होता है? जब आपको पता चलता है कि गिवन डेटा क्या है. बराबर, 50% सम क्या सोल्व थी जाए, जरा तमने वाचता आवड़े अने खबर पड़े कि आपने आपेलू शू है, बस एटलू आवड़े એટલે 50% સમ શું થઈ જાય, સોલ્વ થઈ જાય. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, દૂસરા આપકો ક્યાં પતા હોના ચાહીએ ફ્રેન્ડ્સ, ફોર્મ્યુલા. અગર ફોર્મ્યુલા નહીં પતા હૈ તો સમ આપ કર પાઓગે નહીં. ઓર ઉસકે લિયે મેને ક્યા ટેકનિક બતાઈ દી, જૈસે વો એસઆઈ યુનિટ વાલી ટેકનિક થી. રટના નહીં હૈ, ક્યા કરના હૈ, જૈસે આપ બીમાર હોતે હો, દવા લેતે હો, 3 ટાઈમ લેતે હો ના, ડોક્ટર આપકો દવા દેતા હૈ, વૈસે 3 ટાઈમ એસઆઈ યુનિટ હૈ યા તો ફોર્મ્યુલા હૈ, ઉસકો સિર્ફ પઢના હૈ. ठीक है, आज 3 टाइम पढ़ा, कल 3 टाइम पढ़ा, परसों 3 टाइम पढ़ा, फोर्थ डे 110% क्या हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो जाएगा. जैसे हम प्रेयर वाला मैंने एग्जांपल दिया. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. यहाँ पे हमने पढ़ा क्या था, वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा पढ़ा था माइक्रोमीटर. तो दोनों की LC कैसे फाइंड करते हैं वो सम आज हम देखेंगे. ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स और LC, सबसे पहले ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख लो. ठीक है, जो आपको याद रखनी है, मैंने वहां पे भी बताया था कि कैसे LC फाइंड करते हैं, राइट? तो ये वर्नियर की फॉर्मूला है LC की, और ये किसकी है, माइक्रोमीटर की फॉर्मूला, जो हमने पहले देखी है, बट ये मेमोराइज करनी है, इसलिए आप इसको शांति से अच्छे से लिख लो. चलो आते हैं आज हम हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम पे. देखो, पढ़ना सभी को आता है, क्या है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर, राइट? यानी यूनिट कौन सा है ये मुझे यहां से पता चलेगा, राइट? यूनिट मुझे यहां से पता चलेगा. चलो एक चीज पता चली, दूसरा क्या दिया है, 100 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, उसका मीनिंग क्या, यहां पे मैंने फिगर से बताया, 100 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का ये जो 100 वाला डिवीजन है इज इक्वल टू 99 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. यानी ये क्या होगा, आइदर यहां पे, आइदर यहां पे, 99 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी जितना 100 वर्नियर कवर करता है उतना ही माइक्रोमीटर का क्या होगा, 99 डिवीजन, पता चल रहा है. ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, LC फाइंड, राइट? मैंने यहां पे गुजराती में भी लिखा है, क्या है, वर्नियर कैलिपर्स की मुख्य स्केल ने सेमा अंकित कर लीजिए सेंटीमीटर में. तो आपने खबर पड़ी है सर, पहली लाइन पर थी, शू खबर पड़ से कि मारो जी पण आंसर आवशे एनो एकदम शू हशे, सेंटीमीटर. एक वस्तु खबर पड़ी, वर्नियर ना 100 विभाग, એટલે वर्नियर कैलिपर्स ना जे 100 विभाग छे એ કોના સરખામાં હશે, 99 વિભાગ, મુખ્ય સ્કેલ ના 99 વિભાગ બરાબર. એટલે કેવી સિચ્યુએશન હશે એક્ઝેક્ટલી, કે આ જે છે આ 99 મેન સ્કેલ નું હશે અને આ શું હશે, 100 વર્નિયર સ્કેલ. તો મારે શું શોધવું છે, LC. ઠીક હૈ, દેખો, ચલો ઇતના મુજે દિયા હૈ, ઇસકો ક્યા બોલતે હૈ, એનાલાઇઝ કરના પ્રોબ્લેમ કો, જો ભી મુજે ડેટા દિયા હૈ વો મુજે પતા હોના ચાહિએ. તો સબસે પહેલે મેં યહાં પે ક્યા કરતા હું, LC કી સબસે પહેલે ફોર્મ્યુલા લિખ દેતા હું. તો આપકો બહોત ઇઝી પતા ચલ જાયેગા વર્નિયર કી LC કી ફોર્મ્યુલા. દેખો બુક મેં M/N દિયા હુઆ હૈ, વો લિખોગે तो पेपर चेकर मार्क्स नहीं देगा, ये पूरी फॉर्मूला लिखनी है जो यहां पे मैंने लिखी है, राइट? क्या फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, गुजराती में शू क्या है, मुख्य स्केल ना, मुख्य स्केल पर ना एक विभाग नु मूल्य डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर
स्केल, वर्नियर, मापक्रम ना कुल विभाग। फ्रेंड्स यहाँ पे दो मीडियम के बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पे दो मीडियम में लिख रहा हूँ, आप जो भी मीडियम में एग्जाम देते हो वही फॉलो करना है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना कि दोनों लिखना है। अगर आप गुजराती मीडियम में एग्जाम दे रहे हो तो ये लिखो, इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो तो ये लिखो। चलो मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये दोनों चीज में से अगर हम यहाँ पे कुछ पढ़े तो मुझे कुछ मिल सकता है? देखो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर मात्रम ना कुल विभाग। अब मैं पहले से पढ़ता हूँ, आप याद करना ध्यान से, पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया है वो आपको पता चल जाएगा, पढ़ोगे तो। देखो इसको हमें ध्यान में रखना है, राइट? अगर मैं पढ़ता हूं तो क्या है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर। चलो ये लाइन से मुझे यहां पे कुछ नहीं पता चलेगा। दूसरा क्या दिया है, 100 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखो फ्रेंड ध्यान से, क्या दिया है, 100 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, तो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन हुए, 100, पता चल रहा है? सिंपल अगर हमको पढ़ना आता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये डेटा दिया हुआ है कितना है, 100। खबर पढ़े थे फ्रेंड्स, शू की तुझे वर्नियर कैलिपर्स नी मुख्य स्केल ने सेंटीमीटर में अंकित करे, बीजू शू की तुझे वर्नियर ना 100 विभाग, तो अहीं शू छे वर्नियर ना कुल विभाग, तो वर्नियर मात्रम ना कुल विभाग। बोलो हवे कोई पण एग्जांपल आवडे तमने पकड़ता आवडे, वर्नियर ना 100 विभाग सिंपल छे, आ फॉर्म्युला छे, तो अहीं 100 तो आई जशे, छेद मिली गयो, ठीक है? मुझे ये चीज पता चल गई दोनों में से कि वर्नियर के टोटल कितने डिवीजन है, वर्नियर स्केल के 100 डिवीजन, क्लियरली यहां पे लिखा है 100 डिवीजन। चलो बहुत अच्छा है, अब क्या फाइंड करना बचा है, ये वाला स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल के टोटल डिवीजन नहीं पूछे, क्या पूछा है, एक डिवीजन की वैल्यू। अगर टोटल डिवीजन पूछे होते तो मैं यहां पे क्या लिख देता, 99, बट मुझे क्या पूछा है, एक डिवीजन की वैल्यू चाहिए, तो बहुत इजी है। क्या करेंगे, एक डिवीजन की वैल्यू चाहिए तो उसकी फॉर्मूला क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन, यानी ये फॉर्मूला है एक डिवीजन, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या था, 100 था, यहाँ पे क्या है, 99, तो सिंपल चीज है, 100 में से 99 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये एक डिवीजन की वैल्यू पता चल जाएगी, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला क्या आती है, वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन, बहुत सिंपल है। तो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है, तो आप बोलोगे कि सर 100 है, मेन स्केल के कितने हैं, 99, तो मेरा आंसर क्या आया, 1, बट यहाँ पे यूनिट क्या था, सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर। बोलो कुछ है टफ, खबर पड़े छे, वर्नियर स्केल ना कुल कापा कितना था, 100, કોના બરાબર છે, મુખ્ય સ્કેલના નવાણું વિભાગ બરાબર, એટલે કે બંનેનો ડિફરન્સ, તો એક કાપાનું મૂલ્ય કેટલું હોય, 1 સેન્ટીમીટર, બસ વહી ચીજ યાદ રાખજો, 1 સેન્ટીમીટર 1/100 ક્યાં આયેગા, 0.01 સેન્ટીમીટર। સો ધીસ ઇઝ યોર એલસી ઓફ વર્નિયર કેલિપર્સ। દેખો ફ્રેન્ડ, अगर आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी एग्जाम में अगर आप भूल जाते हो तो एक चीज याद रखो कि ये वाला पोर्शन ऑलवेज, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, सबका मालिक एक, क्या होगी, ऑलवेज 1, बिना कुछ सोचे ये डिफरेंस 100 माइनस 99 यानी ऑलवेज क्या होगी, 1। ये गोला मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि अभी के लेवल पे आपको यहां तक कि मैं आपको समझा रहा हूं, राइट? तो कुछ भी ना पता चले ये वाला, तो सीधा इसको क्या रख देने का, 1, फिर देखो फर्स्ट लाइन से क्या मिलेगा, फर्स्ट लाइन से मुझे क्या मिलेगा, यूनिट, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रख दो, एमएम है तो एमएम रख दो, और दूसरी लाइन से मुझे क्या मिलेगा, टोटल डिविजन किसके, वर्नियर के, तो सिंपल है, ये चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर्मूला में और आपका आ गया आंसर, राइट? पता चल गया कंप्लीट, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको करने हैं, राइट? अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पोस्ट करो।